मोशन ऑफ अ पॉइंट मास टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड ओवर अ सिलेंडर. ये आपने एक सिलेंडर ले लिया, इसके ऊपर धागा लपेट दिया. जैसे अगर पतंग उड़ाएं तो उसकी वो चरखड़ी सी होती है, तो आप उसमें डोर है, आप ऐसे पकड़ लें और उस तरीके से आपके हाथ पे एक्सिस मूव करता रहता है और धागा नीचे या ऊपर जाता रहता है. सेम है. तो किसी ने पकड़ लिया और एक पत्थर टांग दिया, पॉइंट मास है, पत्थर नीचे गिरता जा रहा है और ये रोल कर, ये रोटेट करता जा रहा है, रोल नहीं, हाथ में रोटेट एक्सिस के ऊपर. आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी और मोमेंट इनर्शिया इस सिलेंडर का आए है. तो पहली चीज़, जब ये ए के साथ नीचे आएगा तो एम जी माइनस टीज एम ए तो लगेगा लगेगा. एक पत्थर की इक्वेशन तो पॉइंट मास है, क्लियर है, और एक सिलेंडर के लिए लगेगा. इसका साइड व्यू देखना, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये डायग्राम ऐसा दिखेगा, साइड पे सिलेंडर सर्कल दिखेगा, यहाँ से क्रॉस सेक्शन, ये धागा है जिसमें टेंशन टी है और टेंशन टी इसमें टॉर्क जनरेट कर रही है. तो टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है, आर इंटू टी. तो एम जी माइनस टी एम ए, टॉर्क आर इंटू टी, और टॉर्क होता क्या है, आई इंटू एल्फा. एल्फा क्या होता है, ए बाई आर, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी ए क्या होती है, आर एल्फा, सर्कुलर मोशन में. तो एल्फा क्या है, ए बाई आर. यहाँ से सॉल्व करके टी निकाल लो, इस टी को यहाँ पुट कर लो, राइट साइड ले जाओ, ए कॉमन आ गया, ए की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ गया. अब ये तो एन सी आर टी की डेरिवेशन है, लेकिन अगर ये ना भी हो और न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन बहुत दिखेंगे आपको मेंस के अंदर और नीट के अंदर, ऐसे जिसमें सिंपल है, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल देता है, वो कभी धागा दे देगा, पुली दे देगा, कॉन्सेप्ट यही है. एक अगर पॉइंट मास लटका के दे रहा है तो एफ माइनस टी, ये एम जी माइनस टी एम ए, और दूसरा ये तो लगेगा ही लगेगा ये वाला पार्ट, बस दोनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. जब होएगा न्यूमेरिकल में तब देखेंगे. बोलो.